हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू माइनर्स कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. सो व्हाट इज माइनर्स, व्हाट आर कोफैक्टर्स एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल एक हम क्वेश्चन लेते हैं, A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23, A31, A32, A33. So we have taken a matrix of order 3x3. So here 1, 1, 2 and these 1, 3, these are the position of these elements in the matrix. Now how to find the minor? Minor kya hota hai pehle? Suppose minor ko hum denote karenge capital M se. So suppose mujhe A11 ka minor nikalna hai, toh main usme likhunga M. A11 ka minor means M11. मुझे इसका माइनर निकालना है, तो ये पोजीशन है 11. जैसे आपको पता है हम जनरल नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. अब माइनर होता क्या है? जिस एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर देना है. जब हम उसको डिलीट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा, जो मैट्रिक्स बचेगा, ये मैट्रिक्स बच गया, तो जो इसका डिटरमिनेंट होगा दैट इज कॉल्ड द माइनर. तो इसका डिटरमिनेंट क्या है? इसका इट इज A22 इनटू A33 माइनस A32 इनटू A23. सो दिस इज द माइनर. तो इसका माइनर ये आ गया. तो अगर हमने माइनर निकालना है A12 का, if we have to find the minor of A12, it is very simple. You write M12. आपने M12 लिखा, minor of the minor of A12 is M12. अब आपने इसकी corresponding row और column delete कर देना है element का. इसकी row A12 की ये रही, column ये रहा. तो आपके पास determinant क्या बचा? आपके पास determinant तो ये बचा A21, A23, A31. A33 डिटरमिनेंट बचा, ये आप डिटरमिनेंट निकाल लो. सो A21 इनटू A33 माइनस A31 इनटू A23. सो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दिस इज द माइनर ऑफ दिस. तो ये आपके पास माइनर आ गया वो 12 का. तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, निकाल सकते हैं जस्ट बाय डिलीटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट. और जो उसका डिटर्मिनेंट बचा, दैट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द माइनर. ओके, तो अब आपने किसी का भी माइनर निकालना, यू कैन जस्ट फाइंड द माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स और दैट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सपोज हमने A32 का माइनर निकाला, A32 का. सो A32 का माइनर होगा M32. सो अगर मुझे M32 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दूंगा 3-2 के. तो जो डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स बचा हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट ले लूंगा A11, ये डिलीट हो गया, A11, A13, A11, A13, देन A21, A23, A21, A23. नाउ आई मल्टीप्लाई देम. तो पहले ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा A11, A23, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे A21, A13. सो दिस इज द माइनर ऑफ 3-2. तो ऐसे कोई भी माइनर निकाल सकते हैं. अगर मुझे 2-2 का माइनर निकालना है, सो एम माइनर ऑफ 2-2 इट्स गेन कैन बी, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप डिलीट कर दो. ए 2-2 का कॉरेस्पॉन्डिंग रो ये है, कॉलम ये है, तो आपके पास क्या आ गया? A11. आपके पास क्या बचा? A11, 13, ये बच गया आपके पास A11, 13, A31, A33. सो A11, A13, A31, A33. तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो. सो दिस विल बी A11, A33 माइनस A31,
A3. So this is how we can find the minor. Now, how to, what is the cofactor and how to find the cofactor? Suppose आपने minor निकाला है, अब minor आपका किसी element का ये आ गया suppose, तो अगर आपके पास आपने minor क्या निकाला है, we have just find the minor, minor M11, आपने क्या निकाला है A11 का minor, M11 आपने निकाला है A22 into A33 minus A32 into A31, ये आपने minor निकाला. लेट्स से आपने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर इज डॉटेड बाय C11, कोफैक्टर इसी आपने एलिमेंट का निकाला A11 का माइनर M11 और कोफैक्टर A11 का C11. तो आपने क्या करना है, ये तो आप ऐसे लिखोगे, माइनर तो आपने लिखना ही है, माइनर ये तो आपने ऐसे लिखा, माइनर माइनर तो रहेगा ही, दैट इज माइनस 1 टू द पावर, ये जो आपके पास एलिमेंट्स है पोजिशन है 1+1, that means minus 1 to the power 2 into the minor, that is A33 minus A32 into A31. इसका मतलब ये है कि जब आपने cofactor निकालना है तो आपने minus 1 की power जो उसकी position है 1 1, वो आपने add कर देनी है. 1 2 का निकालना है तो C12 होगा, M12 तो minor तो रहेगा ही साथ में, minor multiplied by the minus 1 to the power position, जो वो position है उस एलिमेंट की. सपोज M12 आपके पास ये है, अगर आपने C12 निकालना है, C12 दैट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A12 व्हिच इज रिटन एज माइनस 1 टू द पावर, क्या आ जाएगा 1+2, बाकी ये तो सेम रहेगा ही आपके पास, इनटू A21 A33 माइनस A31 A23. सो दिस इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A12. सो माइनर इनटू माइनस 1 टू द पावर जो उसकी पोजीशन है उसका आपने सम कर देना. तो अब जैसे हमने ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड माइनर ऑफ 32. अब माइनर ऑफ 32 हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 32. तो कोफैक्टर ऑफ 32 हमने ये लिखा, जो माइनर है वो तो साथ में आएगा ही आएगा, माइनर तो हम लिखेंगे इनटू माइनस 1 टू द पावर इसकी जो पोजीशन है 3+2. तो ये तो क्या आ जाएगा, इट इज माइनस, माइनस 1 पावर 5 इज माइनस, माइनस ऑफ A113 A23 A21 एंड A13. सो दिस इज, तो ऐसे ही कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर माइनर रहेगा, माइनर के साथ द साइन ऑफ द पोजीशन लग जाएगा, वो माइनस 1 से पावर करके हमें पता लग जाएगा कि पोजीशन साइन जो नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. तो अगर माइनस 1 की पावर, अगर कोई पोजीशन 1 1, जैसे 1+1 2 है, इवन है, तो ये माइनस 1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पर ये पोजीशन 1+2 ऑड होगी 3 है जैसे, वहां ये नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस इज द माइनर एंड दिस इज द कोफैक्टर. नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का. तो हमने जो कोफैक्टर्स निकालेंगे, what is the adjoint of a matrix, adjoint of matrix, the transpose of the matrix of cofactors of the elements is called adjoint of the matrix, and it is written as ABJ. This is adjoint. If A is any matrix, it will be written as adjoint of matrix A. So which is equal to cofactors, matrix ka cofactors uska transpose. Ab main ek matrix lunga, simple matrix lunga main, third three order ka, uska main minus bhi nikalunga, cofactors bhi nikalunga aur uska adjoint bhi I will find. So let's do it.
1, 3, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 2. So this is any matrix. ये कोई matrix है. Let it be A. Now let's find mine. आपको सबसे position तो पता ही है. This is 1, 1 position. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. ये तो आपको पता ही है कि जो हम general matrix लेते हैं वो position के साथ कैसे लेते हैं. First row, first column, first row, second कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ऐसे हमने इसको लेना है. नाउ व्हाट इज माइनर. अब हमने माइनर्स निकालना है. माइनर्स ऑफ ए, माइनर्स ऑफ ए, तो हम इसी में ही निकाल देते हैं माइनर्स. माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हमने इसका एम वन वन होगा, इसका माइनर क्या आएगा. आपने वन का माइनर अगर आपने निकालना है, माइनर ऑफ वन, इट इज एम वन वन, या आपने कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट करी, आपके पास ये डिटर्मिनेंट बचा 2 - 12, इट इज -10, तो 1 का माइनर आ गया -10. ओके, अब 3 का माइनर निकालना है, तो माइनर कैसे निकालते हैं. जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग आपके पास मैट्रिक्स बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, 4 - 15 - 11. एंड अगर इसका आपने 4 का माइनर निकालना है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट कर दो, जो मैट्रिक्स बचा उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, 8 - 5, इट इज 3. सिमिलरली ये 2 है, इसका आपने माइनर निकालना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट, 6 - 16, इट इज -10. सिमिलरली 1 का आपने माइनर निकालना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दो, तो इट इज 2 - 20 - 18. अगर आपने 3 का निकालना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट करो, 4 - 15, इट इज -11. अगर आपने 5 का निकालना है माइनर, तो 5 का माइनर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट, तो ये मैट्रिक्स बचा इसका डिटर्मिनेंट 9 - 4 - 5. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द माइनर ऑफ 4, कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बचा 1, 4, 2, 3, इसका डिटर्मिनेंट 3 - 8 - 5. नाउ इफ इट इज 2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट कर दिया हमने 2 का, 1 - 6, इट इज -5. सो दिस इज दीज आर द माइनर्स. ओके, नाउ अब हमने इसी का एक कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसी के हमने कोफैक्टर्स निकालना. अब आप ये देखो, ये वाली पोजीशन कौन सी है, 1, ये वाली ए 1 पोजीशन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 की पावर 1 + 1, दैट इज 2. और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा -1 की पावर 1 + 2, 3. ये कौन सी पोजीशन है, 1, 2, और ये कौन सी पोजीशन है, 1, 3, ये 4 आ गया पावर में. ऐसे ही यहाँ पे पावर में आपके पास 2 + 1, 3 आ गया, -1 पावर में आपके पास 4 आ गया, -1 पावर में आपके पास 5 आ गया. ये पोजीशन है 3, 2, -1, 2 पावर, ये दिस इज पोजीशन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3, 1, तो 3 + 1 = 4, -1 पावर इट इज 3, 2, 3 + 2 = 5, -1 पावर ये कौन सी पोजीशन है, 3, 3, 3 + 3 = 6. तो ये हमने पोजीशन निकाली, दैट इज -1 to the power 2. तो कोफैक्टर्स क्या था, माइनर्स को, जो भी माइनर्स आए हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन टू देयर पावर में आपके पास जो पोजीशन है उसके सम को. सो -1 into माइनर इसका क्या हुआ, -10, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई. 2 का माइनर था -10, -18, -11, एंड दिस इज 5, -5, and -5. जो भी माइनर है उसको आपने माइनस निकाल के, उसके जो कोफैक्टर्स निकालने के लिए -1 उसकी पोजीशन के पावर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है. सो यू विल गेट, इट इज -10, -11, 3, इट इज 10, -18, 11, इट इज 5, and -5. सो दिस इज द कोफैक्टर्स, यानी कि पोजीशन चेंज हुई है, हमारे जो साइन चेंज हुए हैं. तो जो भी हमारे पास, देखो अगर हमने इसको, अगर हमने देखना है कि थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स में साइन कहाँ कहाँ के चेंज होंगे, तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में साइन कौन सी प्लेसेस के चेंज होंगे. अब ये देखो, ये वाली पोजीशन क्या है, इन केस ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स में साइन कौन कौन सी पोजीशन के चेंज होंगे. ये तो 1, 1 पोजीशन है, 1 + 1 = 2, तो -1 की पावर आप 2 लोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा.
सेकेंड पोजिशन ये ऑड पोजिशन है, 2 प्लस 1 3 माइनस 1 की पावर 3 लोग हैं तो ऑड है तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये पोजिशन आपके पास 1 3 1 प्लस 3 4 इवन है, माइनस 1 की पावर इवन होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपके पास फिर से ऑड पोजिशन है, ये फिर माइनस आएगा, ये इवन है नहीं आएगा माइनस, ये ऑड पोजिशन है फिर माइनस आएगा। ये 3 प्लस 1 4 इवन है माइनस नहीं आएगा, 3 2 3 प्लस 2 5 ऑड है तो ये भी माइनस आएगा। तो आपके पास किसी भी, जब आपने माइनर निकाल लिए हैं तो अगर मेरे को माइनर से कोफैक्टर निकालना है तो पहले मैंने माइनर निकाल लिए, अगर मेरे को थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है मुझे डायरेक्ट माइनर से कोफैक्टर निकालना है शॉर्ट मेथड से तो पहले मैंने माइनर निकाले। अब कोफैक्टर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालने के लिए मेरे को पता है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के कहां कहां के साइन चेंज होंगे, यहाँ 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 और यहाँ का साइन चेंज होगा, तो ये हो गया ये 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 और ये साइन चेंज, तो ये बन गया आपके पास कोफैक्टर्स। ओके, नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपने एडजॉइंट बताया आपके, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है तो एडजॉइंट इज जस्ट द कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो अभी हमने क्या निकाला, हमने इसके माइनर निकाले, वी फाउंड द कोफैक्टर्स ऑफ दिस। तो कोफैक्टर्स आपके पास चाहिए दोनों सेम ही है, सो कोफैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमने जो कोफैक्टर्स है उसका ट्रांसपोज कर रहा है, तो व्हाट इज द कोफैक्टर, व्हाट आर द कोफैक्टर्स, माइनस 10 11 एंड 3, सो 10 माइनस 18 एंड 11 5 5 एंड माइनस 5, सो दिस इज, सो एडजॉइंट क्या हो गया इसका, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, इट विल बी माइनस 10 11 3 10 माइनस 18 11 5 5 एंड माइनस 5, सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। Thank you.